नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन इंडिया चैनल में। तो यहाँ पर अभी बात करने वाले एक नई भर्ती के बारे में। तो दोस्तों आ चुकी है बम्पर भर्ती इंडियन नेवी में। दोस्तों क्या रहने वाली है योग्यता, कैसे करना है आपको आवेदन, क्या ऑल इंडिया वाले कर सकते हैं आवेदन, तो पहले आपको बता दें ऑल इंडिया वे ये भर्ती है। आप ऑल इंडिया में कहीं भी रहते हो, चाहे आप यूपी में रहते हो, चाहे आप राजस्थान में रहते हो, चाहे आप बिहार में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तराखंड में, और जहां भी आप रहते हो आप इसमें आवेदन कर सकते हो। चाहे वो छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश या अन्य कोई राज्य, आप कहीं से भी आवेदन कर सकते हो। इसलिए दोस्तों आप देखना है वीडियो को लास्ट तक, ताकि आपको मिल सके पूरी की पूरी जानकारी। लेकिन दोस्तों उससे पहले, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिख रहे लाल बटन पर जल्दी से क्लिक कर दीजिए, और जो साइड में घंटी का निशान यानी कि बेल आइकन आएगा उससे जरूर दबाइएगा, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोज सबसे पहले देखने को मिल सके। और जॉब नोटिफिकेशन कोई भी नया आता है, चाहे वो टीचर की वैकेंसी का हो, चाहे वो बीएसएफ में हो या किसी भी अन्य वैकेंसी का हो, उसका वीडियो आपको सबसे पहले इस चैनल पर अपलोड किया जाएगा। ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे दिख रहे लाल बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक बेल आइकन यानी घंटी का निशान आएगा, उससे जरूर से दबाइएगा, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों जैसा कि आपके सामने है इंडियन नेवी का रिक्रूटमेंट, यहाँ पर आपको देंगे पूरी की पूरी जानकारी। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो इंडियन नेवी का रिक्रूटमेंट, उससे पहले दोस्तों इसकी बेसिक जानकारी दे देते हैं आपको, बेसिक जानकारी के लिए पहले, उसके बाद आपको नोटिफिकेशन भी बताएंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, आपको ऑफिशियल बेसिक जो जानकारी है वही बताएंगे पहले। दोस्तों जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो नंबर ऑफ वैकेंसीज टोटल 554, वो तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं। नोटिफिकेशन आप जैसा कि देख सकते हैं, आपके सामने देख लिया होगा, आपने नहीं देखा है तो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी बताएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो एग्जामिनेशन फीस की अगर सबसे पहले बात कर लेते हैं, वुमेन, एक्स सर्विस मैन, PWBDS और ST और SC, यानी ST, PWBDS, ये एक्स सर्विस मैन एंड वुमेन के लिए कोई भी फीस नहीं है, यानी ₹0 फीस। उसके बाद अगर बात की जाए OBC कैटेगरी और जनरल कैटेगरी के मेल्स की, तो आपको फीस पे करने होगी टोटल ₹205, वो अभी आपको बताएंगे कैसे पे करने होंगे रुपये। द पे थ्रू ऑनलाइन मोड बाय यूजिंग नेट बैंकिंग और बाय यूजिंग वीजा, मास्टर, रुपये, क्रेडिट और डेबिट कार्ड। दोस्तों आप कैसे भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। आप चाहे तो ऑनलाइन नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हो, आप सीधे ट्रांसफ़र कर सकते हो रुपए, चाहे वो पेटीएम से कर सकते हो, या फिर आप अपने वीज़ा जो कि डेबिट कार्ड है उसके नंबर देकर आप भी पे कर सकते हो। इस प्रकार से दोस्तों आपको पे कर देना है। उसके बाद अगर बात की जाए इम्पोर्टेंट डेट्स की, दोस्तों ये जो आपके आवेदन हैं वो 2 तारीख से स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन दोस्तों आपको बता दें अभी आपके पास बहुत सारा समय पड़ा है, तो आवेदन कर लीजिए। यहाँ पर आपके सामने 15 मार्च 2019 तक का टाइम है, 15 मार्च तक आप कर सकते हो, 17 घंटे मतलब 5 बजे तक। उसके बाद दोस्तों आपको फीस पे करनी होगी, आपको 14 अप्रैल 17 अगस्त तक आप फीस पेमेंट कर सकते हो। दोस्तों आगे आपके अगर कोई भर्ती आ जाती है जिसमें आपको करना हो, तो अभी आप आवेदन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आप अगर नहीं करते हो तो आपके रुपए रिफंड नहीं हो पाएंगे, रुपए रिफंडेबल नहीं है। अगर आप SC ST करते हो तो आप बेझिझक कर सकते हो। अगर बात की जाए एज लिमिटेशन की, तो आपके 18 ईयर्स और 25 ईयर्स रहने वाली है मैक्सिमम। दोस्तों इसके में कुछ एज रिलैक्सेशन भी दी गई है, वो भी हम देखेंगे। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। कैंडिडेट शुड हैव 10th स्टैंडर्ड पास फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, चाहे वो UP बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, गुजरात बोर्ड हो, MP बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, आपको सिर्फ 10वीं पास करनी होगी। और इंस्टीट्यूशन एंड सर्टिफिकेट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आपके पास दोस्तों जो आप ट्रेड्समैन की भर्ती है, तो आपका जो ट्रेड रहने वाला है उसकी आपके पास ITI डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए कमांड नेम की, तो हेडक्वार्टर्स ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापट्टनम, 46 पोस्ट है टोटल दोस्तों।
हेडक्वार्टर्स वेस्टर्न नेवल कमांड मुंबई, मुंबई में है दोस्तों, और 522 पोस्ट। हेडक्वार्टर्स साउथर्न नेवल पोस्ट कोची, कोची में है टोटल 6 पोस्ट। इस प्रकार से दोस्तों अब आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर लेकर चलते हैं। दोस्तों जैसा कि हमने बेसिक जानकारी तो आपको दे दी है, अब बेसिक जानकारी होती है नोटिफिकेशन में, और तो कुछ होता नहीं है खास, लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली के लिए नोटिफिकेशन भी दिखा देते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने डेट भी बता दी है, 5 पोस्ट है दोस्तों, यहाँ पर 50 पोस्ट, और यहाँ पर देख सकते हो कोची के लिए यहाँ पर 6 पोस्ट। यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, ये ESM के लिए हमने बता दी, यहाँ पर ये पोस्ट लिखी हुई है जो कि आपके अनरिजर्व वगैरह वगैरह के लिए है। टोटल पोस्ट की अगर बात की जाए दोस्तों, तो आपके लिए रहने वाली है 46 पोस्ट, जो आपके रहने वाली विशाखापट्टनम में, 502 पोस्ट रहने वाली आपके मुंबई में, और जो कोची है उसके अंदर 6 पोस्ट रहने वाली है। इस प्रकार से दोस्तों आप अपनी फिजिकल रिक्वायरमेंट भी देख लीजिएगा यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आ जाता है, तो यहाँ पर एवरेज यानी यूज्ड, यानी कि कौन कौन से कैसे यूज किए गए हैं। तो अब मैं बता दूँ, EWS जो जैसा कि आपको पता ही है, 10% जो आरक्षण है वो लागू कर दिए गए हैं। तो EWS मतलब इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, यानी जनरल कैटेगरी में जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन आता है, BPL में आता है, उसको ये देना होगा, ये जो है उस प्रकार से। फिर आता है दोस्तों एक ESM जो एक्स सर्विस मैन के लिए भी है। फिर दोस्तों रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं, यहाँ पर रिजर्वेशन वही बेसिक रहने वाला है जो कि अरुवर्ती में रहता है, वो 10% इसमें आरक्षण लागू कर दिया गया है। एज बिटवीन 18 एंड 25 ईयर्स रहनी चाहिए। जैसा कि मैंने क्वालिफिकेशन, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता दिए, तो यहाँ पर नेचर ऑफ ड्यूटी, जॉब प्रोफाइल वगैरह वगैरह आप देख सकते हो। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलना है, SC ST वालों को 5 साल, OBC वालों को 3 साल, ESM वो जो भी आपका देख लेना आप कौन सी कैटेगरी में आ रहे हो। एग्जामिनेशन फी जैसा कि हमने आपको बता ही दिया है। उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर दोस्तों, द लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटी फॉर डिफरेंट स्टेट्स हैव बीन इंडिकेटेड इन द फिलिंग इंस्ट्रक्शन एंड ऑप्शंस फॉर चॉइसेस मेड अवेलेबल इन द एप्लीकेशन फॉर्म। आपको एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी जो भी करना होता है कि आपको ये चाहिए, तो आपको वहीं में देखने को मिलेगी। फिर आपको मोड ऑफ सिलेक्शन मिल जाता है दोस्तों, स्क्रीनिंग एप्लीकेशन मिल जाती है। तो ये सारी जो आपके लिए मेन है चीज़ें, वो आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों, ये आपके लिए थोड़ी कम करती है दोस्तों। उसके बाद सब्जेक्ट भी बताए गए हैं, 25-25 मार्क्स के और सभी के हैं। सिलेबस आपको बता दिया गया है, ये सिलेबस भी आप देख सकते हो, सिलेबस आपके सामने ले आ चुके हैं। सिलेबस आपको अगले वीडियो में मिलेगा, और कोई भी जानकारी अगर ज़्यादा चाहिए दोस्तों, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, हम आपका कमेंट का जवाब ज़रूर देते हैं। आप तक हमारी हर जानकारी पहुँचाने का हक है, और हम आप तक हर जानकारी पहुँचाते हैं, इसलिए दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, दबा दीजिए बेल आइकन को भी। अब बात कर लेते हैं, आप अगर घर पर ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हो, तो आपके पास अगर कंप्यूटर है तो आप भर सकेंगे, नहीं तो अगर मोबाइल में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो दोस्तों जैसा कि हमने खोल के रखा है मोबाइल के, दोस्तों जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो, ये विंडो खोल के रखा है, विंडो का अगर दोस्तों ये ऑप्शन ये देख सकते हो आप इसका लिंक, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको योर डिवाइस इज़ नॉट अलाउड टू एक्सेस दिस पेज। दोस्तों आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, कि क्योंकि आप सोचेंगे मेरे ये फ़ोन में ओपन नहीं हो रही है, दूसरे फ़ोन में ओपन कर लें। दोस्तों जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने एक और चीज़ आ जाएगी दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो, मोबाइल एरर .php, इसका मतलब ये मोबाइल में एरर आ रहा है दोस्तों। इस प्रकार से ये एरर आपको देखने को मिलेगा अपने मोबाइल फ़ोन में। अब बात कर लेते हैं ऑफिशियल वेबसाइट की, तो वो भी आपको बता देते हैं ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है। दोस्तों हम आ चुके हैं इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिस पर लिखा है www.joinindianavy.gov.in। इनका कहना है कि इंडियन नेवी को ज्वाइन करो और इंडिया को सपोर्ट करो। यहाँ पर दोस्तों नीचे आने पर आपको नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर कुछ बेसिक जानकारी मिल जाएगी आपको इंडियन नेवी के बारे में, वहाँ के सारे इवेंट्स देखने को मिल जाएंगे, करेंट इवेंट्स वगैरह वगैरह। लेकिन दोस्तों इसमें खूबिया जानकारी आपको नहीं मिलेगी, आप सिर्फ जो इवेंट्स हैं जो टीवी पर दिखाए जाते हैं वही देखने को मिलेंगे, आपको यहाँ पर कोई ज़्यादा जानकारी नहीं मिलेगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कर देना होगा रजिस्टर, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर रजिस्टर यहाँ पर आ रहा है जो कि आपके लिए यहाँ पर नहीं है, ये रजिस्टर नहीं है, वो रजिस्टर मैंने आपको बता दिया था, वहाँ पर आपके नहीं खुलेगा, और वहाँ पर आ जाएगा मोबाइल में अगर खोल लो तो आपके सामने नहीं आएगा। अगर आप कंप्यूटर में खोलना चाहते हो घर पर, तो कंप्यूटर में आराम से खोल कर अपना फॉर्म भर सकते हो दोस्तों। इस प्रकार की ये पूरी जानकारी, बेसिक जानकारी और पूरा रिक्रूटमेंट मैंने आपको बता दिया है। आशा करूँगा दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और लास्ट तक अगर देखा हो तो धन्यवाद, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो नीचे दिख रहे लाल बटन पर जल्दी से क्लिक करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा बाद में, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिल सके। इस वीडियो में बस इतना ही था, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।